नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जिस तरीके से दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे के बाद दिल्ली एमसीडी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया उन दंगाइयों पर और उन अवैध संपत्तियों के ऊपर जिनके ऊपर आज बुलडोजर चला, पर यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ उस अवैध संपत्ति के ऊपर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चलाने की बात की गई, कार्रवाई की गई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और वृंदा कारत जैसे लोग हैं वो इस कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर जहांगीरपुरी पहुंच गए। हमारे साथ उमेश शर्मा सर हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं। सर से जानते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। सर, जहां एक तरफ इल्लीगल जो है कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाने का काम आज एमसीडी की तरफ से किया जा रहा था, इस पूरी कार्रवाई को रोकने के लिए जिस तरीके से कपिल सिब्बल कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए भागकर, इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही मिसयूज है हमारे कानून का। ये बुलडोजर को हम ज़्यादा हाईलाइट ना करें, ये अवैध कब्जे, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, उनको बिना बुलडोजर के कभी भी कैसे भी बिना कोई सूचना के बिना किसी नोटिस के कभी भी हटाया जा सकता है। ये हमारे देश का कानून है। सरकारी जगह पर अगर आप बैठे हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको उठाकर फेंका जा सकता है वहाँ पर और आपके ऊपर मुकदमा भी बनाया जा सकता है। एमसीडी ने कानून का पालन करते हुए नोटिस दिया, पुलिस फोर्स मंगाई और आज की कार्रवाई की, तो एक तो फील्ड में वो वृंदा कारत वहाँ पहुँच गई जिनका कि कोई वजूद नहीं है, कोई काम नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने का। वो क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, ये सीधा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो विदेशी ताकतों के इशारे पर नाच रहे हैं और इसको सेंसेशनलाइज करने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं कि हम इनके साथ हैं, ये हैं, तो ये सीधा दिखाई दे रहा है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कपिल सिब्बल और दूसरे लॉयर्स ने मेंशन किया, उसको हम मेंशनिंग प्रक्रिया बोलते हैं, कि हम ऐसी ऐसी बात हुई है और हम पिटीशन आज डाल रहे हैं, हमारी पिटीशन को अर्जेंटली सुना जाए, कल सुना जाए, परसों सुना जाए, जब भी हो सके, तो क्योंकि उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, एक दो दिन लग जाता है लिस्ट होने में, तब तक के लिए रोक लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी चीज़ को देखे समझे कि चलो एक बार कोई चीज़ टूट जाएगी तो उसको हम सुन के क्या ऑर्डर करेंगे, उससे अच्छा होता है कि कोर्ट्स ऐसे मामलों में यही अक्सर कहती है कि ठीक है आप एक दिन दो दिन रुक जाइए, जब हम सुनेंगे तो ऑर्डर करेंगे। तो यही हुई है कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर किया है, यही ऑब्जर्वेशन दी है। कोई ऑर्डर, कोई रिटर्न आदेश एज सच नहीं मेरिट पर पास होता जिसको कि ले जाकर दिखाया जा सके कि आप इनको हटा नहीं सकते या इनका कोई कानूनी अधिकार है। ये सब हवा में बातें हैं, किसी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रोका है, जब भी पिटीशन हियरिंग में आएगी, परसों तरसों जब भी आएगी, तो दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली में काफ़ी इस बात को लेकर क्लैरिटी है लॉ में कि अगर आप सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं, एक पर्टिकुलर डेट है कट ऑफ की, जो पॉलिसी डालते रहते तो आपको उठा के फेंक दिया जाएगा, आपका सामान तोड़ के हटा दिया जाएगा, आपको वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप चाहें तो एमसीडी जो भी है, जो भी लैंड ओनिंग एजेंसी वहाँ की होगी, एमसीडी है तो एमसीडी का काम है हटाना सड़क पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कोई लैंड ओनिंग एजेंसी डीडीए है या सीपीडब्ल्यूडी है तो वो कह सकते हैं कि आप इस पे जुर्माना दो, यहाँ रहे हैं, और अगर आप नहीं हटेंगे तो आपके ऊपर पुलिस केस, मुकदमा भी बनाया जा सकता है। ये कानून है और इसका पालन होना चाहिए। इसके बीच में ये जो तमाशा कर रहे हैं लोग, इनकी कोई वजूद नहीं है, इनको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और ये कुछ नहीं कर सकते। सर, किस तरीके से कांग्रेस जो है वो इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, तो उस पर इतनी ज़्यादा आपत्ति क्यों है आखिरकार कांग्रेस के नेताओं? ये कांग्रेस का बनाया हुआ वोट बैंक है, ये ज़मीन भी कांग्रेस के नेताओं ने, अगर आप गहरे से देखेंगे, कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कब्जा करवाई होगी। और जो वहाँ क्वेश्चनेबल लोग हैं, जैसा सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेशियों को लाकर बसाया है सरकारी ज़मीन पर, उनकी दुकानें खुलवाई है, कबाड़ की दुकानें चल रही है, तो ये सब कांग्रेस का कारनामा है। तो कांग्रेस तो बचाने के लिए खुलकर आएगी ही ना अपने वोट बैंक को, कांग्रेस आज तक 70 साल में यही करती रही है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहाँ गए वो भी दिखाई दे रहा है कि वो क्या करते रहे हैं कांग्रेस के साथ, अंदर ही अंदर हाथ, अंदर खाने में हाथ मिलाकर वो क्या करते रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है और ये हमारी डेमोक्रेसी में ये सामने आ रहा है। सर, जहाँ एक तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जो कल तक कह रहे थे कि जहांगीरपुरी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगे कराए, आज वही इन जो आज बुलडोजर से कार्रवाई की गई है उसको लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन दंगों के पीछे है और बुलडोजर बीजेपी के हेडक्वार्टर पर चला देना चाहिए। ये तो कोरी बकवास कर रहे हैं। एक मंत्री का भी ऐसा बयान आया है दिल्ली सरकार के, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर मंत्री की गरिमा खोते हुए वो ऐसी
बेबुनियाद वाहियात बात करते हैं तो उनको मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे राज्य का, दिल्ली प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता कैसे भी झूठ छल कपट करके मंत्री बन गए हैं और ऐसी बकवास वाली बातें करते हैं। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर एक सरकार द्वारा दी गई जमीन, जो कि काफ़ी साल पहले 20-30 साल पहले दी गई थी, वहाँ पर एक सैंक्शन बिल्डिंग करा के बनाया गया है और कानूनी तरीके से वहाँ हैं। तो ऐसा अगर ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हिटलर शाही इनके दिल में है, और अगर इनको मौका मिल गया तो ऐसा ये ज़रूर करेंगे। अपने जो भी विरोधी होंगे उनको ये नुकसान ज़रूर पहुँचाएँगे। कानूनी प्रक्रिया का इनके दिल में, इनके दिमाग में कहीं कोई सम्मान नहीं है। ऐसी बातें बोलना अपने आप में बताता है कि ये किस मेंटलिटी के लोग हैं। और एक अवैध जगह जहाँ एक सड़क पे कोई इल्लीगल इंक्रोचमेंट करके कोई जगह बनाई गई है, मस्जिद बनाई गई है, दुकान बनाई गई है, उसको तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, उसकी तुलना ये बीजेपी के जो लीगली अलॉटेड, लीगली सैंक्शनड बिल्डिंग प्लान है या जो बिल्डिंग बनी हुई है, बीजेपी क्या सारी पार्टीज़ के, आप पार्टी को भी एक जगह अलॉट हुई है, कांग्रेस को भी एक जगह अलॉट हुई है, वहाँ उन्होंने सैंक्शन करके वो बिल्डिंग बनाया हुआ है, तो ये बिल्कुल वाहियात बात बोल रहे हैं। और इस बीच में अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है कि जो हॉकर्स होते हैं रोड के किनारे, जो भी सामान बेचने वाले लोग होते हैं, वो अपना सामान रात भर के लिए वहाँ नहीं रख सकते। हॉकिंग का मतलब होता है कि आप आइए, दिन में अपना सामान वहाँ रखिए, बेचिए और शाम को उठाकर ले जाइए। इसकी आड़ में जो लोग वहाँ सामान रख देते हैं, धीरे धीरे रोड को कब्जा करने शुरू कर देते हैं या पटरी को कब्जा कर लेते हैं, फुटपाथ को कब्जा कर लेते हैं, तो इस पे तो रोक लगनी चाहिए। ये अब इसमें पुलिस का ध्यान गया है, MCD का ध्यान गया है, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए और सब लोगों को आगे बढ़कर इनका सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा एज ए लॉयर कि लोगों को इसके, इस सब के सपोर्ट में या ऐसी इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट कोर्ट अपने लेवल पर भी जाना चाहिए। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लगा सकते हैं कंप्लेंट, SDM की कोर्ट में भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट भी लगा सकते हैं, PIL भी फाइल कर सकते हैं, रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। तो ऐसी पिटीशंस की बाढ़ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली की जनता को अब जागरूक होकर देखना पड़ेगा कि जिनको हम रोड पर बैठने दे रहे हैं वो हमारे आने जाने जुलूस को या आने जाने वाले लोगों को किस तरह से बर्ताव करते हैं, तो उनको वहाँ से हटना ही चाहिए। आज जिस तरीके से कार्रवाई अवैध संपत्ति के ऊपर हुई है, उसके बाद एक तरफ जहां बीजेपी के हेडक्वार्टर को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके इस बात को भी कहा जा रहा है कि अमित शाह की जो कोठी है उसके ऊपर बुलडोजर चला देनी चाहिए। यानी कि एक संपत्ति जो अवैध है उसकी तुलना देश के गृह मंत्री की संपत्ति से तुलना क्यों की जा रही है? ये इनका दिमागी दिवालियापन है, बिल्कुल कुछ भी इनको समझ नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। लीगल जो हमारी प्रोसीडिंग्स है, जो लीगली अलॉटेड जगह है, एक मंत्री, कोई होम मिनिस्टर है, गृह मंत्रालय संभालते हैं, सम्मान का पद उनका है, उनकी एक गरिमा है, उनके विरुद्ध ऐसी वाहियात घटिया बातें बोलना इनका जो मानसिक दीवानियापन है उसको बताता है। और इस बात को ये डाइवर्ट कर रहे हैं अपने ट्वीट द्वारा कि जो नेता वहाँ इन्वॉल्व है, जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की है, वो आप पार्टी के हैं, और ये अगर कहते हैं कि बीजेपी ने ऐसा ये बलवा किया, दंगा किया, तो ये चीज़ सामने अब आ गई है, जो पुलिस की प्रोसीडिंग्स में सामने आ गई है कि 40 लोगों को उन्होंने भगवा कपड़े लाकर दिए थे कि पहन के भीड़ में घुसना, तो ये तो प्लांड वे में है और बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को देशद्रोही की सज़ा मिलनी चाहिए और समाज में दंगा फैलाने की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, खासकर आप वाले लोग, ऐसी हरकतों का सपोर्ट करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने किन लोगों को अपने प्रदेश में चुना है और दिल्ली में कैसे ये लोग काबिज होके बैठे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे पास राइट टू रिकॉल नहीं है, नहीं तो ये राइट टू रिकॉल करके ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को वापस बुला लेना चाहिए और हटा देना चाहिए सदन से। सर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई और उसका जो मेन आरोपी है मोहम्मद अंसार, उसके लगातार जो तार हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कई खुलासे भी ऐसे हुए हैं कि 2020 में ही उसने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने दंगे कराए हैं। आज जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि बस एक विशेष समुदाय के लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, देश में दंगे फसाद की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अमानुल्लाह खान क्या कहेंगे, वो तो खुद ही इन्वॉल्व है ऐसी हरकतों में, और विशेष समुदाय को दूषित करने वाले वही लोग हैं ज़्यादातर जो ऐसे नेता हैं, अमानुल्लाह खान या ये जो जहांगीरपुरी में जो ये नेता हैं, आप
के प्लेटफॉर्म से जो ये हरकत कर रहे हैं, तो ये हमारे देश में विद्वेष को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। और जनता को चाहिए कि इनके मुंह पर करारा ऐसी बातें मत करो। आम जनता को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए ऐसी झूठी मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें नहीं कर सकते हो। हम इसका विरोध करते हैं। लोगों को इसके विरोध में खुलकर सामने आना चाहिए कि अमानतुल्ला खान आप आइए, बताइए, दिखाइए कैसे आपने ये बात कही। और आप खुद दंगे के दोषी हैं, आप इन्वॉल्व हैं, सारी पुलिस की रिपोर्ट्स है, सारी वीडियो क्लिप्स है, सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है आपके खिलाफ, तो आप कैसे ये बात कर सकते हैं। और जहांगीरपुरी में जो सज्जन हैं उनकी भी फोटोग्राफ्स आई हैं, और ये भी तक आया है कि उनको शराब के स्टॉल इस पार्टी ने अलॉट किए हैं अभी। तो ऐसे आदमियों को, ये ऐसे सांपों को ये पाल के रख रहे हैं, तो ये हमारे देश को बंटवाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता आगे आ रहे हैं, चुने जा रहे हैं, और वोट लेने में वो कहीं ना कहीं से सफल भी होते हैं। तो ऐसे लोग ही देश को बंटवाएंगे, इसलिए इनको जितना हम मार्जिनलाइज कर सकते हैं, इनके विरुद्ध जितनी कार्रवाई हो सकती है, जितनी भी इनकी भर्त्सना हो, जितना इनको कंडेम किया जा सके वो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।